जब उनका नाम बैंक में अमित सिंह है हाँ। तो फिर ये कैसे मुसलमान हो सकते हैं हाँ। और एक टीचर होके, मैं भी एक टीचर हूँ हाँ। वो भी एक टीचर, एक टीचर होके इस तरह का जो बात करते हैं हाँ। एक हिंदू मुसलमान जो हम लोग मिले जुले हुए हैं हाँ। पूरे इलाके में हाँ। ये चाहते हैं कि आपस में लड़ जाए हाँ। वो खुद अपने पंचर है, नारियल का झाड़ू और रस्सी, नारियल का झाड़ू, खजूर का झाड़ू धरा के सारे औरत को पिटवा के इनको भगा देना चाहिए यहाँ से, ऐसे आदमी को बिहार से। तो लोग तो उनको काफी पसंद करते हैं, यूट्यूब पे खब वीडियो बहुत चल रहा है उनको लोग। अब उनका यहाँ से पत्ता साफ हो गया है, अभी जाने वाले भी हैं यहाँ से, लोग खुद भगा देगा इनको, जैसा ये राजनीति कर रहे हैं। गलत अफवाह उड़ाने वाले खुद पंचर छाप होंगे, क्योंकि वो खुद हर जगह वायरल कर रहे हैं कि मेरा नाम अमित सिंह है। ये अलग है, वो मुसलमान के भलाई चाह रहे हैं, जब मुसलमानों के हक के लिए बात कर रहे थे, क्या वो मुसलमान में ट्रांसफर हो जाए, मुसलमान बन जाए। तो इसलिए कहा गया है कि जो नफरत के सब बेटी थी वो ललकार किसकी थी, हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी, हमारी गर्दन मत काटिए बस ये बता दीजिए, जिसे तुम पहन कर मांगे थे वो सलवार किसकी थी। वो एक लेटेस्ट किस्म का आदमी है, वो सर नहीं हो सकते, वो सर के नाम पे एक कलंक है और को प्यार दिए हैं, उसके बाद मतलब कि वो अच्छा सिला मतलब कि नहीं दिए, और मतलब कि अगर स्टूडेंट के अगर हाथ अगर उलग जाएंगे तो उनको मतलब कि अच्छा सबक सिखा दिया जाएगा। स्टूडेंट से बढ़ करके कोई नहीं होता है, कोई नेता फेता मतलब कि काम नहीं आएगा। बताइए, ये मुसलमान वाला नाम रख करके आरएसएस का ही चला रहे हैं संगठन, मिल जाते हम उनको ऐसा पंचर करेंगे कि कहीं बनने लायक नहीं रहेंगे। जी जितने भी सब्सक्राइबर हैं खान सर के, वो सब अनसब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के लोग जो देश में नफरत की दुकान चला रहे हैं, उसकी दुकान को बंद करने का टाइम आ गया है। इसलिए लोगों से अपील है जो उसके चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं, प्लीज़ उसके चैनल को अनसब्सक्राइब करें। मैं हूं आपको दोस्त शाह सफी का, आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आप तक इस वक्त मैं मौजूद हूं बिहार के समस्तीपुर जिला के शाहपुर बहोनी में, और यहां की जनता से जानना चाहेंगे, यानी कि बिहार की जनता और बिहार के स्टूडेंट से जानना चाहेंगे। आपने देखा कि पिछले दिनों खान सर को लेकर जो है काफी, खान सर जो पटना वाले हैं उनको लेकर काफी ट्रेंडिंग चल रहा है, और उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो अपना नाम खुद को अमित सिंह बता रहे हैं। नाम बताना पड़ेगा ना, तो उन लोगों ने एक नाम जुगाड़ दिया खान सर, तब से हम हो गए खान सर। बैंक में लोग हमें अमित सिंह ही कह के बुलाते बैंक में लोग हमें अमित सिंह ही कह के बुलाते इन लोग का कोई खास विकास है नहीं, आज भी इन लोग का रजिस्ट्रेशन है पंचर की दुकान पर मीट काटने में। जय हिंद साथियों। तो साथियों, खान सर जो है रंगे हाथ पकड़े गए, और उनका जो वीडियोस है वो अक्सर ज्यादातर वीडियो जो उनका मुसलमान पे वो टिप्पणी कर रहे हैं, गलत किस्म की टिप्पणी कर रहे हैं, और मुसलमानों को पंचर छाप भी बोलकर वो निकल रहे हैं। तो आइए यहाँ के जो स्टूडेंट हैं इनसे जानना चाहेंगे कि वो खान सर के बारे में क्या नजरिया रखते हैं। सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि आप खान सर को जानते हैं। जी जी, वो खान सर जो पटना में पढ़ाते उड़ाते हैं उनके बारे में तो बहुत अच्छे से बारे में हम जान रहे हैं उनके बारे में। जी क्या पूछना है उनके बारे में? जान रहे हैं ना? जी जी बिल्कुल। तो आप मुझे ये बताइए कि खान सर का वीडियो वायरल हो रहा है, वो अपने आप को जो है मुसलमानों कई वीडियो में वो जो है पंचर छाप बोलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, तो उनके नज़र में हालांकि वो अपना नाम खान सर बताते हैं और मुसलमानों को पंचर छाप बोलते हैं, तो आखिर क्या वजह है कि वो इस तरह का? अरे ये गलत अफवाह उड़ाने वाले खुद पंचर छाप होंगे, क्योंकि वो खुद हर जगह वायरल कर रहे हैं कि मेरा नाम अमित सिंह है, तो ये मुसलमान हो नहीं सकते, और मुसलमान के विरोध में कह रहे हैं कोई मुसलमान से नफरत है, नफरत को फैलाना चाह रहे हैं। लेकिन ये अलग है, वो मुसलमान के भलाई चाह रहे हैं, जब मुसलमानों के हक के लिए बात कर रहे थे, क्या वो मुसलमान में ट्रांसफर हो जाए, मुसलमान बन जाए। तो इसलिए कहा गया है कि जो नफरत के सब बेटी थी वो ललकार किसकी थी, हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी, हमारी गर्दन मत काटिए बस ये बता दीजिए, जिसे तुम पहन कर मांगे थे वो सलवार किसकी थी। वो एक लेटेस्ट किस्म का आदमी है, वो सर नहीं हो सकते, वो सर के नाम पे एक कलंक है, और मुसलमान को और ये हिंदू मुसलमान में ये नाइतफाकी पैदा करने के लिए बता रहे हैं कि हम मुसलमान के भलाई कर रहे हैं, मुसलमान के भलाई कर रहे हैं, मुसलमान
मुसलमान को भलाई करना है, मुसलमान के तरफ है, तो उन्हें कहा जाए कि वो मुसलमान में ट्रांसफर हो जाए, मुसलमान का ईमान कबूल, इस्लाम धर्म कबूल कर ले, तो हम बुझेंगे कि अमित सर जो भी कर रहे हैं वो बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं। खान सर नाम रखे हुए हैं, देखिए अब बैंक में उनका नाम कुछ और है, अमित कुमार। एक सर जो है, एक सर जो टीचर जो है, जिनको करके मुसलमानों ने और बहुत सारे जो लोग हैं, देश के जो लोग हैं, बिहार के जो लोग हैं, उनको आंखों पर चढ़ा के रखा, उनको बहुत ऊंचाई दिया यूट्यूब के दुनिया में, टीचिंग के दुनिया में, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक कम्युनिटी को जो है टारगेट कर रहा है पंचर छाप बोलकर, तो इस तरह का एक टीचर को बोलना चाहिए। नहीं बिल्कुल बोला चाहिए, ये तो अभी जो भी उनको एक खान सर के नाम से जो उसको प्रचलित कर रहे हैं ये भी गुमराह है। उन्हें यदि इनकी जानकारी हो जाए कि नहीं खान साहब की जो बैकग्राउंड उनका ये है, तो उन्हें वो पंचर छाप जो ये बोलते हैं, सब पब्लिक जो है उन्हें पंचर छाप बोलेंगे, इंशाल्लाह जरूर बोलेंगे पंचर छाप, कि वो खुद पंचर है, दूसरों को पंचर कह रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम है एमजे शाही, बल्कि मुझे कॉलेज के पूर्व अध्यक्ष रह चुका हूँ, अभी मैं टीचिंग कर रहा हूँ। हमारे साथ इंटरमीडिएट के स्टूडेंट है, इनसे जानना चाहेंगे खान सर के बारे में, आप जानते हैं खान सर? हाँ वही पटना वाले खान सर, पटना चलाते हैं, कोचिंग चलाते हैं, और उनका बहुत सारा वीडियो देखा है, और उनके बयान में कुछ अटपटा टाइप का लगता है, और अटपटा क्या है कि वो अपने आप को इतना ओवर हो जाते हैं ना, किसी समुदाय के प्रति कुछ बयान देना थोड़ा ही हाँ वो पढ़ाते थे, उनका एजुकेशन तक ठीक था, और पॉलिटिक्स में जो थोड़ा देने लगते हैं वो बेकार है, और हमने बहुत देखा वो कुछ हद कई सारा गलत वीडियो बयान अपने दे करके, जैसे सही एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं जो पॉलिटिक्स में जा रहे हैं। उनके बारे में एक वीडियो वायरल हो रही है, वो उनका जो है वीडियो जो है ना, वो खुद वीडियो में कबूल कर रहे हैं कि मेरा नाम जो है अमित सिंह है, तो वो तो एक हिंदू कम्युनिटीज वाला जो नाम बता रहे हैं अपने आपको, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा नाम जो है ना बच्चों ने ऐसे ही खान सर रख दिया, तो लेकिन खान के नाम से यानी कि मुसलमानों के नाम से वो इतना फेमस हुए, और मुसलमानों को ही वो अक्सर वीडियो में पंचर छाप बोल रहे हैं, तो ये उनकी छोटी सोच दर्शाता है किसी समुदाय को इस तरह से बोलना, और जो जिसकी सोच बड़ी होती है वो किसी को समुदाय को इस तरह से नहीं बोलते हैं, ठीक है, और ये गलत है, और है ना उनको जो नाम है उनका असलियत अपने नाम से रखना चाहिए, और जिस नाम से उनको फेमस हुए हैं तो उनके नाम की इज्जत करनी और समुदाय की इज्जत करना चाहिए, अगर उनको नाम से हल्का सा थोड़ा सा भी प्यार है तो उस समुदाय को अपना ले, या अपना अपना सच्चाई जो है नाम को अपना जाहिर करना चाहिए। अब जिस नाम से है किसी को समुदाय को टारगेट करना ये गलत है, और इसका हम निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि बैंक में मेरा नाम अमित सिंह ही है, तो इसका मतलब है कि वो अमित सिंह है? हाँ बिल्कुल अमित सिंह नाम है, वो अपना अमित सिंह नाम से ही अपने आप को लोगों को बताएं, और ये खान सर हाँ प्रचलित हो गए थे, लेकिन उसके नाम का सम्मान देना चाहिए, किसी हर समुदाय का सम्मान देना चाहिए। आखिर क्या वजह है कि मुसलमानों को वो हमेशा पंचर छाप बोलते हैं? उनके अंदर एक ओवर कॉन्फिडेंस होता है ना, एक जो अपने आप में जो अपने आप को कहते हैं वो घमंड आ गया, वो अपने आप को सब बहुत बड़े सोचते हैं कि नाम जानकार बहुत बड़े हो गए, तो ये नहीं है, किसी का सम्मान करना सबसे बड़ी चीज़ है, और उनको एक छोटी सोच वाला जिस नाम की वजह से वो इतना फेमस हुए हैं, तो कहीं ना कहीं क्या आप जो एक कम्युनिटी जिस कम्युनिटी को वो हमेशा बदनाम करते, तो वो उनके जो उस कम्युनिटी से जो बिलोंग करने वाले जो उनके फैंस हैं वो कहीं ना कहीं उनको अनफॉलो तो भी कर सकते हैं ना, अनसब्सक्राइब भी तो कर सकते हैं ना जो? हाँ ये बिल्कुल है, लेकिन उनको सोचनी चाहिए, और आदमी क्या कर सकता है, लेकिन हाँ अपना सोच अपने आप को दर्शा रहा है, और हम तो ये कहेंगे कि उनको एक मशवरा देंगे कि वो अपने आप को ना सही पढ़ाते हैं, सही एजुकेशन देते हैं वो दें, और ये पॉलिटिक्स से दूर रहें और माफ़ी मांगे। एक मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ या किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ बोलना ही बंद कर दें, और उन एक एक सही टीचर का जो है ना काम नहीं है जो किसी कम्युनिटी को टारगेट करना, और वो अपने एजुकेशन से मतलब रखना, किसी बच्चे को एजुकेशन देना और एक्स्ट्रा चीज़ से दूर रहना, हम यही कहेंगे। क्या नाम है? मोहम्मद इमरान। यहाँ के ग्रामीण हैं और सर हैं, प्राइवेट टीचर हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे। सर खान सर के बारे में आप जानते हैं? हाँ उनके बारे में तो मैं जानता हूँ, उन्होंने अपना नाम खान साहब रखे हैं, लेकिन वो खुद एक्सेप्ट किए हैं कि मेरा बैंक वगैरह बैंक में जो है मेरा नाम अमित सिंह है। जब उनका नाम बैंक में अमित सिंह है तो फिर ये कैसे मुसलमान हो सकते हैं? और एक टीचर होके, मैं भी एक टीचर हूँ, वो भी एक टीचर होके इस तरह का जो बात करते हैं, एक हिंदू मुसलमान जो हम लोग मिले जुले हुए हैं पूरे इलाके में, ये चाहते हैं कि आपस में लड़ जाए, दंगा हो जाए, मुसलमानों को वो पंचर छाप करके पुकारते हैं, पंचर छाप का नहीं बहुत खराब लग जो इस्तेमाल करते हैं, वो खुद अपने पंचर है, तो दूसरा को मुसलमानों को कैसे पंचर बना सकते हैं? वो खुद अपने पंचर है, नारियल का झाड़ू रस्सी, नारियल का झाड़ू, खजूर का झाड़ू धरा के सारे औरत को पिटवा के इनको भगा देना चाहिए यहाँ से, ऐसे आदमी को बिहार से।
ये दंगा कराना चाहते हैं। तो मुसलमानों को पंचर छापी क्यों बोल रहे हैं? खुद पंचर छापा तो मुसलमानों को बोलेगा नहीं, जो खुद का खराब होता है दूसरे को खराब कहता ही है। तो लोग तो उनको काफी पसंद करते हैं, यूट्यूब पे खराब वीडियो बहुत चल रहा है उनको लोग। अब उनका यहाँ से पत्ता साफ हो गया है, अभी जाने वाले भी है यहाँ से, लोग खुद भगा देगा इनको, जैसा ये राजनीति कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम फसाद कराने का। खान सर को जानते हैं? जी हाँ जानते हैं, उनका अच्छा खासा हम देखे हुए हैं, वीडियो वीडियो भी देखे हुए हैं, उनका नाम भी बहुत है, लेकिन अमित सिंह के नाम से भी वो जाने जाते हैं खान साहब जो है। और यहाँ मतलब कि कुछ उल्टा पुल्टा मतलब बोलते भी रहते हैं, मुसलमानों के खिलाफ भी हरगाने ही वाले भाषण वो करते हैं जहाँ तहाँ भी। तो इसी में है कि हर जगह में मतलब विवाद फैलेगा, गंदा माहौल बना रहे हैं वो, तो ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। एक टीचर हैं वो, माने जाने टीचर हैं, तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, अपना एक नाम ही बतावे कोई भी डिटेल में। मदरसा के स्टूडेंट को वो मतलब पता नहीं किस नज़र से देखते हैं, मदरसा के स्टूडेंट को इतना गलत नज़र से क्यों देखते हैं, आखिर क्या वजह है? देखिए ये वजह तो है, उनको ही पता होगा ये वजह में क्या है, उनका कुछ मकसद होगा, आदेश से मिले हैं या क्या वो है कि अपना एक तरफ अमित सिंह नाम रखे हुए हैं और एक तरफ खान साहब। तो ऐसे में मतलब है कि जहाँ पर मतलब देखेगा मुसलमान का तरह है, वहाँ पर मुसलमान के खिलाफ में मतलब मुसलमान के पक्ष से बोल सकते हैं, जहाँ पर देखेंगे हिंदू वहाँ पर हिंदू के पक्ष से अमित सिंह के जरिए बोल के मतलब दोनों। बहुत सारा वीडियो उनका वायरल हुआ है जिसमें वो पूजा करते हुए अभी दिखाई पड़ रहे हैं और उनका राखी वगैरह भी बांधे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो अभी अब जो है लोगों को डाउट होने लगा है, एक चैनल है अरबाज ऑफिशियल, उन्होंने उसको उनका पर्दाफाश किया है और काफ़ी एनालिसिस करने के बाद उनका वीडियो जो है वो खुद वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, बोलते हुए कि मेरा नाम अमित सिंह है बैंक में और लोग मुझे ऐसे खान सर बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं तो लोगों को ये गुमराह कर रहे हैं नाम बदल कर। जी हाँ, तो जिस मुसलमान को लेकर वो इतना ऊंचाई पे गए, मुसलमान का नाम रखे थे ऊंचाई पे गए, उस मुसलमान के बारे में वो गलत टिप्पणी कर रहे हैं, ये सही है? बिल्कुल गलत है। हाँ बिल्कुल गलत है, ऐसा तो उनको करना ही नहीं चाहिए। एक टीचर है भी है, माने जाने टीचर है, उसको तो मतलब कि ये दो तरफ चलना ही नहीं चाहिए, एक मुसलमान है एक हिंदू में मिल गया, यानी जो भी है उसको खुला आना चाहिए, ओपन होना चाहिए। मुसलमान है तो मुसलमान के दर में रख उनको रहना चाहिए, या हिंदू है तो हिंदू के दर में रहना चाहिए, दोनों नाम उनको रखना ही नहीं चाहिए। खान सर को जानते हैं? जी हाँ, पटना में जो वही ना जो पढ़ाते हैं। हाँ वही खान सर का वीडियो वायरल हो रहा है, उनका नाम जो है अमित सिंह करके वो खुद अपने वीडियो में बोलते नजर आ रहे हैं, और वो अक्सर जो है मुसलमानों को पंचर छाप बोलते हैं, तो आखिर क्या वजह है कि वो मुसलमानों को पंचर छाप बोलते हैं? खान सर जो हैं उनको इतना ऊंचे मुकाम पर यहाँ बिहार के लोगों ने जो है पहुँचाने का काम किया है, और वो जो इस तरह का हरकत कर रहे हैं तो बहुत जल्द लोग जितने भी स्टूडेंट हैं हमारे हाँ सब लोग उनको जो है बिहार से भगाने का भी काम करेगा, समझा? इस तरह घटिया हरकत वो छोड़ दे, और नहीं तो जूता चप्पल खाने के लिए भी वो तैयार है, समझा? तो बहुत जगह पर लोगों का कहना है, बहुत सारे कमेंट्स में लोग जो स्टूडेंट है वो बोल रहे हैं कि ये आरएसएस के एजेंडा पे काम कर रहे हैं 100%। जो सारे वीडियो में वो मुसलमानों को ही ट्रोल करते हुए दिख रहे हैं, जिस तरह का उनका स्टेटमेंट है उससे तो यही लगता है। ये अब मुसलमान के बारे में जो उल्टा फुल्टा बोल रहे हैं खान सर, अगर मिल जाए तो उनको तो पहले जूता से मारेंगे। मुसलमान के बारे में उल्टा फुल्टा, ये सब आरएसएस का आदमी है, ये लोग को पैसा मिलता है बकरा अपना, मिल जाए तो हम लोग तो फिर यहाँ निकाल देंगे अतरी मुंह से बाहर, खान सर हो या कोई सर हो, मुसलमान के बारे में उल्टा फुल्टा बोलेगा हो जाएगा। तो आखिर क्या वजह है कि मुसलमानों को वो पंचर छाप बोलते हैं, मतलब इतना गए गुजरे नजर से क्यों देखते हैं? वो खुद पंचर है, वो खुद पंचर है तो पंचर क्या देखेगा? हम पंचर है, आज मिल रहे हमसे सिंह नाम है, वो नाम चेंज करके खान सर नाम रखे हुए हैं, बताइए ये मुसलमान वाला नाम रख करके आरएसएस का ही चला रहे हैं संगठन, मिल जाते हम उनको ऐसा पंचर करेंगे कि कहीं बनने लायक नहीं रहेंगे, कोई दुकान पे नहीं। अमित सिंह है, ये सब मतलब कि बिहार के जितने स्टूडेंट हैं, और मतलब कि अगर स्टूडेंट के अगर हाथ अगर उलग जाएंगे तो उनको मतलब कि अच्छा से सबक सिखा दिया जाएगा अमित सिंह को। अमित सिंह अपना नाम चेंज करके खान सर रखे हुए हैं, सब मतलब कि अच्छी बात नहीं है, स्टूडेंट से बढ़ करके कोई नहीं होता है, कोई नेता फेता मतलब कि काम नहीं आएगा। खान सर को इस तरह का बोलना चाहिए था? ये सरासर गलत बोल रहे हैं, एक टीचर होने के नाते और ये सब जितने भी छिपे हुए हैं ये आरएसएस के लोग जो इस तरह के नफरत फैला रहे हैं, एक
मुस्लिम नाम के साथ खान सर के नाम पे आए थे तो हम लोग सब्सक्राइब किए थे, तो कल से वीडियो देखा जा रहा है तो इस तरह का देखने में आ रहा है, इसी तरह नफरत फैलाने वाली बात है। अपने वीडियो में वो खुद बताएं कि मेरा नाम अमित सिंह है और हम लोग तो खान सर के नाम पे चैनल को सब्सक्राइब किए थे और स्टूडेंट सब समान हैं, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, कोई भी हो, किसी भी धर्म के हो, स्टूडेंट सब एक समान है। इस तरह का बयान से बचें और नहीं ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। आप क्या उनके बारे में क्या ख्याल रखते हैं? जी ख्याल तो यह है कि खान साहब करके प्रचलित हो गया और हमारे मुसलमान भाइयों जो अंधभक्त बने हुए हैं खान साहब उनको ये बता देना चाहता हूँ कि यदि वो उन्हें अच्छे अहदे पर पहुँचाने का हो उसे नीचे भी गिरा सकता है मुसलमान। इसलिए हम सब मुसलमान भाई को कहेंगे कि खान साहब के हालात को जानिए, उनके पिछले बैकग्राउंड को जानिए कि आखिर वो चाहते क्या है। वो अपने आप को पूछ रहे हैं कि हम खान साहब हैं, उनका बैंक में नाम अमित सिंह है, ये क्या है नामला। इसलिए हम मुसलमान भाई को कहना चाहेंगे कि पहले तुम तालीम से मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी न किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे, हाथ का हाथ से जंजीर बनाकर निकलो वरना धागे की तरह तुम तोड़ दिए जाओगे। तो हम मुसलमान भाई को कहेंगे कि एकता बना के रखिए और अमित सिंह के बारे में खान सर के बारे में जानिए कि आखिर वो है क्या। और टीचर को हमको नहीं लग रहा ये सब बात शोभा देगा क्योंकि टीचर जो होता है हिंदू मुसलमान किसी भी धर्म के हो सबको एक समान देखना चाहिए और एक ही देखना चाहिए, देखना नहीं एक ही देखना चाहिए। ये मेरा रिक्वेस्ट है कि वो खान साहब अपने रूप को छोड़े और जो रूप अपना रूप इख्तियार करें। ये बताना कहूँगा कि जितने उनके फॉलोअर्स हैं जो उन्हें हाईलाइट कर दिए हैं, उनको सब्सक्राइब कर करके आगे पूरे बढ़ा दिए हैं, उनको मैं ये कहूँगा कि रिजेक्ट किया जाए, इसे उसे को नीचे गिराया जाए, उनका प्रचलित नहीं किया जाए क्योंकि वो गलत है। वो मुसलमान हिंदू करके ये विरोध करने वाले ये मोदी जी के बुझिए कि वो भक्त वो भी भक्त हैं और ये RSS है, ये तो वो ओपन है कि RSS है क्योंकि RSS वाला ही ये फंडामेंटल इस्तेमाल करते हैं और वो लड़वाने का काम करते हैं। नाम खान सर लेकिन उसका बैंक में नाम है अमित सिंह, तो ये बिल्कुल नाजायज है और टीचर को ऐसा शोभा नहीं देता। सबसे बड़े सूती आदमी हैं, टीचर को ऐसा शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। खान सर ये गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अपना नाम कुछ और बोलते हैं, अमित सिंह बोल रहे हैं अपना नाम, ये बहुत छुतियापा वाला काम कर रहे हैं, ये अच्छा बात नहीं है, ये गलत है। मुसलमान जब जागेगा तो फिर अपना सोचेंगे वो लोग क्या होगा उसका अंजाम। टीचर है, टीचर के पक्ष पे उड़ रहे हैं। जी जितने भी सब्सक्राइबर हैं खान सर के वो सब अनसब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस तरह के लोग जो देश में नफरत की दुकान चला रहे हैं उसकी दुकान को बंद करने का टाइम आ गया है। इसीलिए लोगों से अपील है जो उसके चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं प्लीज़ उसके चैनल को अनसब्सक्राइब करें। दोस्तों आपने देखा कि यहाँ पे जो स्टूडेंट बैठे हुए हैं ये भी स्टूडेंट होने के बावजूद भी प्राइवेट से टीचिंग करते हैं और ये अपने नज़रिया को पेश कर रहे थे। इनका कहना है कि आज देश जो है हिंदुस्तान में जो है सारे धर्म के लोग एक समान हैं और यहाँ पे नफरत नहीं चलेगी। आप किसी भी कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं वीडियो के माध्यम से अपने एक पक्ष को खुश करने के लिए, ये यहाँ पे नहीं चलने वाला है। और इन्होंने रिक्वेस्ट किया वैसे लोगों से जो खान सर को फॉलो करते हो, खान सर को सब्सक्राइब किए हुए हो यूट्यूब पर, उन लोगों को ये निवेदन करते हैं कि ऐसे नफरती जो टीचर हैं इनको बायकॉट करें और उनको अनसब्सक्राइब करें। बिहार के जो स्टूडेंट हैं उनकी सच्चाई उन्हें पता चल सके कि वो लोग अगर आपको प्यार करते हैं तो आपको गिराना भी जानते हैं। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और खान सर तक जरूर ये वीडियो को पहुंचाएं। दोस्तों आपने देखा कि किस प्रकार यहाँ के जो ग्रामीण जो है और स्टूडेंट जो है वो खान सर को लेकर अपनी अपनी प्रतिक्रिया यहाँ पे दे रहे थे। तो एक टीचर जो है जो बिहार में इतना नाम रखते हो अपना और सारे जो कम्युनिटी के जो लोग हैं उनसे मोहब्बत करते हैं लेकिन वो सर अपना नाम खान सर रखते हैं और बाद में उनका वीडियो वायरल होता है अमित सिंह के नाम से, जिन्होंने अपने वीडियो में खुद कहा है कि मेरा नाम बैंक में अमित सिंह है, तो इससे यही माना जाएगा कि वो एक हिंदू कम्युनिटी से आते हैं। लेकिन खान नाम रखकर यानी कि मुसलमानों का नाम रखकर वो इतने ऊँचाई पर पहुँचे और मुसलमानों के प्रति उनकी जो सोच है वो बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही घिनौनी है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप किस प्रकार ले रहे हैं, जनता की आवाज़ आप तक में आप बने रहें और जनता की आवाज़ आप तक की यह वीडियो खान सर तक ज़रूर पहुंचाएं। अगर आप उनके फॉलोअर्स हैं तो उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं और ताकि वो आने वाले समय में
सतर्क हो जाए कि बिहार की जनता आपके जो स्टूडेंट है उनसे मोहब्बत करना जानते हैं तो उनको गिराना भी जानते हैं। दोस्तों यहाँ आपने देखा कि जो स्टूडेंट है वो लगातार कह रहे थे कि हम लोग ने जिस प्रकार उनको इज्जत दिया शोहरत दिया तो हम लोग उनको गिराने का भी काम करेंगे और बिहार से भगाने का भी काम करेंगे। दोस्तों आप इस वीडियो को किस प्रकार लेते हैं? जनता की आवाज़ आप तक बने रहने के लिए हमारे चैनल जनता की आवाज़ आप तक को यूट्यूब पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर जनता की आवाज़ आप तक के नाम से हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप खान सर का वीडियो देखते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा और खान सर तक ज़रूर पहुँचाएँ। दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं हूँ आपका दोस्त साहिल सफीक, मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ एक नए तथ्य के साथ। जय हिंद जय भारत। सब्सक्राइब करें जनता की आवाज़ आप तक को और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज़।